गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 26 लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो अगर लास्ट टर्म पे हमने बात की, तो लास्ट टर्म में हमने आपको बताया था, क्या रिलेशन बताया था बेटा? हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो क्या रिलेशन बताया था आपको, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर आप लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, जहाँ पे वेक्टर ई क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बेटा, और आर आपका क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये है इनिशियल पॉइंट की पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये है फाइनल पोजीशन की इलेक्ट्रिक इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फाइनल। क्लियर है? तो ये रिलेशन आपको याद है बेटा, ठीक है? ये उसी रिलेशन से आया है बेटा जो आपने आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या बताया था, याद है? वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर इंटीग्रेशन में वेक्टर ई डॉट डी आर, उसी रिलेशन से आया। क्लियर है बेटा? अब इस पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं कि हमने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आगे की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है बेटा? आगे की तरफ, ऐसे ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, एक ट्रायंगल लग दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? क्या है बेटा ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी साइड कितनी है बेटा? ई। ये आपका बेसिकली क्या है बेटा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपका है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है बेटा, ए है, ठीक? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई है। अब हमने कह दिया ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपसे पूछा गया बेटा, आपको बताना होगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक? और आपको बताना होगा ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ए और बी के बीच का, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ए और सी के बीच का। तो कैसे करेंगे बेटा, सोचो। तो अपने पास यही रिलेशन मालूम है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल वेक्टर ई डॉट वेक्टर है। अब बात करें जैसे वी ए माइनस वी बी, ठीक है बेटा? तो आप चाहो तो इसको ट्राई कर लो, ठीक है? आराम से लोग ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। क्लियर? ये क्वेश्चन है आपको। आपको क्या बताना है यहाँ पे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ है बेटा, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, ए है। कितनी है? ए है। आपको ए सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ए बी के बीच का बताना है, और बी सी इन सब के बीच का क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक? ठीक है, तो सोल्यूशन पर आते हैं बेटा। क्या आते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो अगर सोल्यूशन की हम बात करें इसके, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो हमारे को वही रिलेशन मालूम है जो ऊपर अपना देखो, तो ये रिलेशन अपने पास है। तो चलो ए और बी के बीच में पहले लगाते हैं ए और बी। तो ध्यान से बताओ, ए से बी, देखो वी ए माइनस बी बी मतलब ए से बी तक जाना है, तो बताओ ए से बी क्या जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो किधर होगा बेटा, क्या वेक्टर ए बी के लॉन्ग होगा? इसके इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए। तो चलो लिखते हैं बेटा, क्या लिखोगे बेटा, ई का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड तो ई ही है ए, और आर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। और बताओ ई और आर के बीच का एंगल कितना है, जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या आती है, वन। तो कितना आ गया बेटा, ई इंटू ए, दिख रहा है सबको बेटा, ई इंटू ए। अब चलो ऐसे बी और सी के बीच लिखते हैं बेटा, ये बी है आपका, ये सी। तो बताओ बी बी वी बी माइनस बी सी क्या किधर तरफ होगा बेटा, इधर की तरफ होगा कि इधर की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि बी से सी की तरफ जाना है बेटा, क्या इधर तरफ होगा ये डायरेक्शन, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर तरफ है, आगे की तरफ है। तो बताओ ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है कि नहीं बेटा? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो चलो लिखते हैं ई का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120। तो ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, कॉस 120। बेटा आपको पता होगा ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और बताओ कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस 1/2। कितना होता है, माइनस। तो इसकी वैल्यू आई माइनस ई ए बाई टू। क्लियर है बेटा? ऐसे अगर हम बात करें ए और सी के बीच का, वी ए माइनस वी सी, तो बताओ ए से सी, तो ये बताओ क्या होगा, ये इधर तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बेटा, वेक्टर ए सी की। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये 60 होगा कि नहीं बेटा? तो चलो लिखते हैं बेटा, ई का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसका भी आंसर आएगा ई ए बाई टू। एक तो ये तरीका, तो समझ में आ रहा है बेटा से, आराम से। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, बस हमेशा याद रखना ई का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, चूंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ भी तो ई आपका वेक्टर आपका इधर आगे की तरफ है, आर वेक्टर इधर तरफ है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो क्या होगा बेटा, ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, कॉस 60। क्लियर है यहाँ तक? सही बेटा। अच्छा, इसी को करने का एक छोटा तरीका दूसरा भी था, याद करो। अगर लास्ट टर्म पे हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये बात बताई थी। और हमने एक बात और आपको बताई थी कि कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता। पोटेंशियल में से क्या होगा बेटा, सेम होता है। क्या होता है बेटा, सेम। ये दो बातें हमने बताई थी लास्ट में, याद है? और हमने कहा था इन दोनों बातों को आप नोट कर लीजिएगा, उसी से रिलेटेड फंडा है बेटा। सोचो ध्यान से बताओ, अगर हमने कह दिया सी, इसी को हम करने का एक छोटा तरीका आपको बता रहे हैं, जैसे सी पॉइंट है ना, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर इस पे डाल दो, ठीक है ना, तो ध्यान से बताओ जो पोटेंशियल सी का होगा क्या वही पोटेंशियल इसका भी होगा कि नहीं बेटा। ये सी है तो क्या इसको भी हम सी बोल सकते हैं कि नहीं? अब दूसरा तरीका देखो सॉल्व करने का, इसको भी सी, क्यों सी बोल सकते हो बेटा? चूंकि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो जो पोटेंशियल सी का होगा वही इस वाले पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं बेटा, चूंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो इसका पोटेंशियल होगा। अब ये पॉइंट अपना है सी, कौन सा पॉइंट है बेटा, सी। अब ध्यान से अगर आप तुम देखो तो बताओ ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, वी ए माइनस वी सी बराबर क्या होगा बेटा। सोचो ई ई का मैग्नीट्यूड ई किधर है बेटा, आगे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी किधर है, इधर तरफ। सोचो पूरा है ए, तो ये कितना हो जाएगा ए बाई टू। सोचो ये कितना हो जाएगा ये वाली लेंथ, अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ ये आपका होगा ए बाई टू। तो सीधे सीधे क्या होगा बेटा, ई इंटू ए बाई टू वी ए माइनस वी सी। देखो वी ए माइनस वी सीधे ई ए बाई टू आएगा, क्यों? चूंकि यहाँ पे ई और आर जो है एक ही डायरेक्शन में, ई और आर एक ही डायरेक्शन में। ऐसे बताओ ये अगर ये सी पॉइंट है ये बी पॉइंट, तो वी बी माइनस वी सी क्या होगा? तो क्या बताओ इसके लिए, बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है, पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आगे की तरफ। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180। क्या होगा, 180। तो सोचो ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस 180 क्या होता है, माइनस 1। तो आप सीधे लिख दोगे माइनस ई ए बाई टू, माइनस सॉरी माइनस ई ए बाई टू, ये दूरी भी आपके क्या होगी, ए बाई टू। तो सेम वही, चूंकि लॉन्ग होता है बेटा तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि अगर ई और आर आपके क्या हो बेटा, पैरेलल हो, तो फिर क्या लिखोगे, ई इंटू आर हो जाएगा इसका वी नीस। तो वही फंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप चाहे ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी आसान है, वैसे भी समझ लो, क्लियर है? तो बस आप यही ध्यान रखो, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। तो वी ए माइनस वी सी सीधे क्या होगा, ई इंटू ए बाई टू, और वी बी माइनस वी सी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में आएगा, माइनस ई इंटू ए बाई टू जो आपको दिख रहा है वी बी माइनस वी सी, और बाकी वी ए माइनस वी सी तो आपको दिख रहा है ई इंटू ए, ई इंटू ए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप पहला तरीका समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है? तो हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है बेटा। तो अगली हेडिंग पे डालते हैं जो आज का टॉपिक है बेटा, ये तो हो गया, इस पर थोड़ा क्वेश्चन भी काक हमने करा दिया इस पर, ठीक है बेस्ट। अब आज के टॉपिक पे आते हैं जो हमने डाली भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल सर्फेस। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ध्यान से देखो बेटा, हमेशा ध्यान बेटा, इक्विपोटेंशियल सर्फेस की अगर बात करें तो टॉपिक को हम डाल दे रहे बेटा। तो आप अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। करते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस है क्या, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिफिनीशन पे, और आपको बता दें सिंपल से बेटा, अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सर्फेस के बारे में, तो ये आप ये देखो, ये सारी वो चीज़ें आप जो बताने हम जा रहे हैं बेटा, ये पूरा एकदम आपको मेमोराइज करने वाली चीज़ है बेटा। अगर आपको याद है तो आराम से आप आसानी से आपको सब बातें समझ आएंगी, और इसमें समझने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और बाकी डिफिनीशन और इनकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है? एकदम सेम वैसे जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी बताई थी, सेम एकदम ध्यान रखना है बेटा, वैसे ही इसको भी, ठीक है? चूंकि अभी यहाँ पर आप उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से पढ़े हैं, ऐसे ही आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, वेव ऑप्टिक्स। तो सेम इसी चीज़ को आप किस नाम से पढ़ेंगे बेटा, वेव फ्रंट नाम से पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वैसे ही वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वेव फ्रंट, सेम जैसा चलेगा बेटा, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पर अगर ये बातें आपको ध्यान हो रही जा रही है, तो वहाँ पर फिर रिपीट कर जाएगा वेव ऑप्टिक्स में, ये पूरा अपना क्या आएगा बेटा, रिपीट भी आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक? तो वास्तव में इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या बेटा, नाम से क्लियर हुआ, इक्वी मतलब इक्वी पोटेंशियल, जहाँ पे हर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो बेटा, सेम। इक्वी मतलब एक समान हो चाहे, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, ठीक? तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो बेटा, अगर अगर सेम हो, ऐसे सर्फेसेज जिस पे जितने भी पॉइंट हैं सबका पोटेंशियल क्या हो बेटा, सेम हो, उनके उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे सर्फेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस वो सारे सर्फेस जिन पर जो पॉइंट्स हैं उनके पोटेंशियल क्या हो बेटा, सेम हो। क्या हो बेटा, सेम। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? तो डिफिनीशन क्या दी गई बेटा इसकी, इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस आर द लोकस ऑफ दोज पॉइंट विच हैव सेम पोटेंशियल, विच हैव सेम पोटेंशियल, मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनका क्या सेम हो बेटा, जिनका पोटेंशियल सेम हो, जिनका क्या सेम हो, पोटेंशियल सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेस। ये इसकी डिफिनेशन है, तो फटाफट डिफिनेशन लिखिए बेटा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर द लोकस ऑफ दोज पॉइंट
आर द लोकस ऑफ दोज पॉइंट विच हैव सेम पोटेंशियल, विच हैव सेम पोटेंशियल। क्लियर है बेटा? तो इक्विवेलेंस सरफेस उन सारे पॉइंट्स का फोकस लोकस है जिनका क्या सेम है बेटा, जिनका पोटेंशियल सेम है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं टाइप्स की। अब जो हमारी इक्विवेलेंस सरफेस है वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? तीन तरह के इक्विवेलेंस सरफेस होते हैं। तो अगली हेडिंग है बेटा टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस सरफेस। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो तीन टाइप के इक्विवेलेंस, सबसे पहला क्या बेटा? सबसे पहला है प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बेटा? प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो प्लेनर इक्विवेलेंस सरफेस का मतलब क्या है बेटा? तो प्लेनर इक्विवेलेंस सरफेस का होता है बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फील्ड भी याद है, पहले लाइन से दिखाते हैं बेटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, क्लियर? तब जो हमारी इक्विवेलेंस सरफेस होती है वो कैसी होती है बेटा? प्लेनर होती है। कैसी होती है बेटा? प्लेनर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी कैसे होंगी बेटा? प्लेनर। क्यों बेटा? सोचो, ध्यान से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ है, सोचो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया, इसका पोटेंशियल क्या होगा बताओ? जो इसका पोटेंशियल होगा क्या वही इसका होगा कि नहीं बेटा? सिद्ध को एक ही लाइन के लॉन्ग रहा, वही इसका भी होगा बेटा। वही क्या, इसके इधर वाला पॉइंट लेंगे उसका भी वही होगा कि नहीं बेटा? तो सोचो ध्यान से देखो, इधर वाला पॉइंट लेंगे तब भी वही, इसका मतलब इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट होंगे क्या सबके पोटेंशियल सेम है कि नहीं बेटा? अच्छा, ऐसा क्यों हो पा रहा है बेटा? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन पॉइंट पे जितने भी पॉइंट है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। क्या है बेटा? और याद करो, मैंने बताया था वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। तो ई और आर के बीच का एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री है। इसलिए क्या होगा बेटा? हर एक पॉइंट की पोटेंशियल सेम। और वहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या रहता है? हमेशा सेम होता है। याद है वो पॉइंट्स लिखवाया था लास्ट में? अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो मैंने आपको ये दो पॉइंट्स बताए थे बेटा कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये दूसरा पॉइंट था। और पहला पॉइंट आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लास्ट टर्म मैंने आपको बताया था बेटा। क्लियर? तो यहाँ बताओ इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसे होंगी बेटा? तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस होंगी वो कुछ ऐसे बनेंगे बेटा। ठीक है? तो ये आपके क्या है बेटा? ये जो बनाएंगे, ये जो सर्फेसेस है आपको देखने तो ये ऐसी बनाई, ये वाली सर्फेसेस है बेटा। तो ये क्या है बेटा आपकी? ये है इक्विपोटेंशियल सर्फेस। सोचो इस पर अगर ये वाला पॉइंट ले लो, इसका पोटेंशियल वही होगा जो इसका पोटेंशियल होगा बेटा। सोचो हमने कह दिया ये पॉइंट ए है, मान लो इस पर ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट अपना बी है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है। क्लियर है? तो ध्यान से आप देखो तो किसका किसका पोटेंशियल सेम है। सोचो देखो ये सब क्या है बेटा, इन्हें हम बोलते हैं ये आपकी प्लेनर इक्विपोटेंशियल। ये क्या है बेटा? ये सब क्या है बेटा? ये आपके हैं प्लेनर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है बेटा, बताओ ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सर्फेस कब होंगी बेटा? तो ध्यान रखना प्लेनर इक्विपोटेंशियल सर्फेस तब होंगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा तो हमारी जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस होंगी वो कैसी होंगी बेटा? प्लेनर होंगी। ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो हमारी जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस होंगी वो क्या होंगी बेटा? प्लेनर होंगी। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, सोचो ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा? बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा? सोचो सोचो ये देखो देखो ये दोनों पॉइंट जो है ए और बी पॉइंट, क्या एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करेगी नहीं बेटा? तो इन दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। सोचो क्या ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा क्या? नहीं होगा बेटा, चूंकि ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है और ये अलग। तो इसका मतलब ए और सी के पोटेंशियल क्या होंगे बेटा? सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों बेटा? चूंकि ये दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो बात आपको एक बार और क्लियर होनी चाहिए बेटा कि एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे बेटा? उनके पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे। और अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनके पोटेंशियल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। पहले क्लियर है बेटा? तो पहला आपको समझ आया बेटा प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको सिंपल सी बात यही ध्यान रखनी है बेटा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी कैसे होंगी बेटा? प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे होंगी बेटा? प्लेनर। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? और ध्यान से एक बात और देखो बेटा, सोचो ये प्लेन ऐसे है ना बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है बेटा? ऐसे जा रही है। तो बताओ इनके बीच का एंगल हर बार क्या है बेटा? 90 डिग्री की नहीं बेटा? तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री है। कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो क्लियर है बेटा पहला? अगली बात करते हैं दूसरा। तो पहला आपको प्लेनर इक्विपोटेंशियल समझ में आया बेटा। अब दूसरे की बात करें, दूसरा क्या होता है बेटा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस।
अगला क्या है बेटा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है? तो स्फेरिकल क्या होगा बेटा, तो स्फेरिकल कब होता है बेटा, ध्यान रखना, जब पॉइंट चार्ज हो। कैसा चार्ज हो बेटा, जब पॉइंट चार्ज हो तो फिर हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल। क्या होंगे बेटा, स्फेरिकल। अगर जब भी कभी क्या हो बेटा, पॉइंट चार्ज हो तो हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। कैसे समझो बेटा इस बात को, समझो ऐसे, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, इससे आर दूरी बता पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। इससे इधर आर दूरी पर कितना होगा, के क्यू बाई आर। इससे इधर आर दूरी पर कितना होगा, के क्यू बाई आर। तो जो पूरा थ्री डी में मिला लो तो क्या बनना है, स्फीयर बनना है कि बेटा। तो इसकी जो इक्विपोटेंस सर्फेस होंगी कैसे होंगी बेटा, स्फेरिकल। तो अगर ध्यान रखना बेटा पॉइंट चार्ज है तो हमारी जो इक्विपोटेंस सर्फेस बनेंगी वो कैसे होंगी, स्फेरिकल। ये आप दिख रहे हैं बेटा, स्फेरिकल में बनाया। तो बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी पॉइंट चार्ज की, आपको याद है रेडियली आउटवर्ड होती है। पॉइंट चार्ज की आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा, रेडियली क्या होती है बेटा, आउटवर्ड। क्लियर बेटा? अब ध्यान से दिया है यहाँ पे, ये बात क्लियर है बेटा। तो कैसी है, रेडली आउटवर्ड है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, रेडली आउटवर्ड है। तो एक बात क्या आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, कि अगर कभी भी चार्ज अपना कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो, कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो, तो अपनी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी कैसे होंगी बेटा, स्फेरिकल। कैसे होगी, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ पे जाना है, ये कैसी है बेटा, ये स्फेरिकल है। तो आपको दिख रहा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है बेटा, स्फेरिकल आपकी। क्लियर है बेटा? तो आपको क्या ध्यान रखना हो बेटा, कि अगर पॉइंट चार्ज है तो जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है कैसी होंगी बेटा, स्फेरिकल होंगी। अच्छा ध्यान से बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट था, बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है बेटा। क्या है, वेरिएबल। चूंकि पॉइंट चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बताओ आर के साथ क्या वेरी करेगा कि नहीं बेटा। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बेटा। तो ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है। क्लियर बेटा? क्या होगी वैल्यू अगर ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद है बेटा? ये आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² स्क्वायर के। क्लियर है? तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आर के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है बेटा? तो आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कोई कांस्टेंट अपान आर स्क्वायर, भी ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये समझ में आ रहा है बेटा दो टाइप। तो पहला आपको समझ आया प्लेनर कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस तब होगा बेटा जब कैसा होगा, पॉइंट चार्ज होगा। जब पॉइंट चार्ज होगा तो हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगी बेटा, स्फेरिकल। अब सर, अब इस डायग्राम में यहाँ पर भी आप फोकस करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो रही है बेटा, परपेंडिकुलर आ रही है। कैसे आ रही है बेटा, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, ये बात क्लियर होगी बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात क्लियर है? अच्छा ध्यान से बताओ, सोचो जो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, चूंकि ये दोनों अलग अलग। सोचो ये वही वाली बात है जो वहाँ पे हमने समझाया। सोचो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, अलग अलग, अलग अलग होगा। क्यों? चूंकि ये दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए चूंकि अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस लाई करें इसलिए इनके पोटेंशियल सेम होंगे। और एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उनके पोटेंशियल क्या होंगे बेटा, सेम होंगे बेटा। तो ये बात आप भी आपको ध्यान होनी चाहिए, अभी प्रॉपर्टीज में पॉइंट्स में आपको ये सारी बातें भी लिखवा दी जाएंगी। ठीक है? तो ये दो आपको समझ में बेटा। तीसरे टाइप की बात करते हैं, तीसरा होता है स्फेरिकल सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल। आपने पहला प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, दूसरा क्या है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल, तीसरा क्या होता है बेटा, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। रफ करें बेटा इसको, आराम से नोट कर लीजिए सब लोग। तो अब हम बात करते हैं स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है? तो तीसरा टाइप आता है बेटा स्फेरिकल सिलेंड्रिकल, सॉरी। तो आप क्या बेटा, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। बताओ सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? तो सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा बेटा, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस तब होगा जब कैसा चार्ज हो बेटा, लाइन चार्ज हो। कैसा चार्ज हो बेटा, लाइन चार्ज। ठीक है? अगर लाइन चार्ज है तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगी, ये आपका मान लो लाइन चार्ज है, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगी बेटा, तो ध्यान रखना इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो सिलिंड्रिकल होंगी। अगर लाइन चार्ज होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगी बेटा, सिलिंड्रिकल।
क्लियर बेटा। अगर लाइन चार्ज है तो हमारी जो क्यों, ये आपको क्या है, ये आपकी क्या है बेटा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो आपको सिलेंड्रिकल रूप में दिखाई दे रही है बेटा। सेम चीज़ों को हम क्या किस नाम से पढ़ेंगे बेटा आगे चल के, वेव ऑप्टिक्स, हम इन सारी चीज़ों को वेव फ्रंट नाम से पढ़ेंगे। तो वहाँ भी ऐसे पढ़ेंगे, तीन टाइप के वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल, सेम बात, बस वेव फ्रंट नाम से बोलेंगे। ठीक है, वहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पोटेंशियल बोल रहे हैं, वहाँ बोलेंगे फेस, क्या बोलेंगे फेस। क्लियर है, तो ये आपके, तो सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बेटा, याद है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे। तो ये क्या है बेटा, ये आपके है सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंस सरफेस। ये क्या है बेटा, ये आपके हैं सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा बताओ सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होगा बेटा, जब कैसा चार्ज हो बेटा, लाइन चार्ज हो। तो ध्यान रखना बेटा, अगर लाइन चार्ज है तो हमारी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा बेटा, सिलिंड्रिकल। अगर लाइन चार्ज है तो हमारी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है कैसा होगा बेटा, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल। यहाँ तक सही बेटा, कैसा होगा बेटा, सिलिंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। अच्छा आगे बात करें हम, ये बात तो समझ में आ गया बेटा, तो ध्यान रखना बेटा। अच्छा यहाँ पर भी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्या है बेटा यहाँ पे, यहाँ पर भी ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो क्या है, वेरिएबल है, वो ऐसे चलता है बेटा, ये 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शायद आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन्फिनाइट लाइन चार्ज करना 2K λr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर लाइन चार्ज होगा तो हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी बेटा, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। यहाँ तक सही है बेटा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखो बेटा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर आ रही है कि नहीं बेटा, देखो हर जगह आ रही है बेटा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो ये रहे तीनों टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं बेटा इसको। क्लियर, अब आते हैं थोड़े इसके प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, प्रॉब्लम। ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम के बाद ये ओवर होता है बेटा। इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा बेटा, ठीक है, वो शायद आज नहीं, वो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है बेटा, डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, तो प्रॉब्लम्स करते हैं बेटा कुछ, तो प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी फटाफट लिख लो बेटा, सभी पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले डिफिनेशन हमने लिखवा दिया, हमने आपको डिफिनेशन लिखवा दिया, ये तीनों टाइप के लिखवा दिया। तो पहले सबसे पहले क्या लिखवाया बेटा, डिफिनेशन हमने क्या बताया, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द लोकस ऑफ दोज पॉइंट विच हैव सेम पोटेंशियल। कितने तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, तीन तरह के, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा क्या होता है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा क्या होता है सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेनर कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगी, स्फेरिकल कब होगा, जब पॉइंट चार्ज होगा, सिलिंड्रिकल कब कब होगा बेटा, जब लाइन चार्ज होगा। क्लियर है, यहाँ तो ये सारी बातें हमने बता दी। अब बात करते हैं इनके पॉइंट्स की, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पॉइंट्स वाइज लिखते जाइए, आप स्टार बना के लिखते जाइए। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट हमने क्या सीखा बेटा यहाँ पे, कि जो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जितने भी पॉइंट है सबके पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम है, क्या है, सेम है। और अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने भी पॉइंट है उनके पोटेंशियल क्या है बेटा, अलग अलग है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए बेटा इस पॉइंट में, आप चाहे प्रॉपर्टी बोलिए चाहे पॉइंट्स लिखिए, लिखिए ऑल द पॉइंट्स, लिखिए बेटा इसमें ऑल द पॉइंट्स lies on, all the points lies on same equipotential surfaces, all the points lies on same equipotential surfaces have same potential, okay beta, all the points lies on same equipotential surfaces have same potential, clear hai beta। अगले पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए बेटा, अगला पॉइंट क्या होगा, लिखिए ऑल द पॉइंट्स, दूसरे पॉइंट में लिखिए बेटा ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैव डिफरेंट पोटेंशियल,
हैव डिफरेंट पोटेंशियल, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी में यही बताया बेटा कि एक ही इक्विपोटेंस सरफेस जितने भी पॉइंट होंगे उनके पोटेंशियल क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, और अलग अलग इक्विपोटेंस सरफेस जो भी पॉइंट्स होंगे उनके पोटेंशियल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्लियर है बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, और एक प्रॉपर्टी लिखो बेटा, और क्या है बेटा, अगर ध्यान से हर डायग्राम में आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी हमेशा क्या इक्विपोटेंस सरफेस की क्या थी, परपेंडिकुलर थी कि नहीं बेटा, तो ये बात आप लिख लीजिए बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देखिए बेटा अगली प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, क्लियर है बेटा। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे, क्लियर, तो ये रही इसके बारे में, ठीक है। तो ये रहा इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सर्फेस की डिफिनेशन, इनके टाइप और ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज, क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं इनके प्रॉब्लम्स की, थोड़ी प्रॉब्लम कर लेते हैं बेटा, इन पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, बात क्लियर हो जाएगी। हमने कह दिया कि मान लो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सर्फेस है बेटा, ये जो ऐसे बना रहा हूँ बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं बेटा, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, हमने कह दिया ये आपकी इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, ठीक है। हर दो के बीच की दूरी हमने बोल दिया 10 सेंटीमीटर, कितना है, हर दो सरफेस के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। हमने बोल दिया इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका कितना है 20 वोल्ट, इसका है 30 वोल्ट और इसका कितना है 40 वोल्ट, क्लियर। तो ये बताओ कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, तो ध्यान रखना ये प्लेनर है, कैसी है बेटा प्लेनर, ऐसे लाइन से दिखाई इसका मतलब ये प्लेनर है ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो प्लेनर अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट है, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया, इनके बीच की डिस्टेंस भी दिया, सेपरेशन भी दिया 10 सेंटीमीटर है, हर सर्फेस का पोटेंशियल भी आपको दिया है 10, 20, 30, 40, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, क्या बताइए आपसे, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे क्वेश्चन में यही बोला गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा सब लोग अपना स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद स्क्रीन पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, ठीक। तो सोल्यूशन पे आते हैं बेटा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा, तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से देखो, एक बात तो हमको क्लियर है, एक बात हमको क्या क्लियर है, हमको एक बात तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लोअर, क्लियर है। और एक बात और क्लियर है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब लाइंस तो ऐसी होंगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी होंगी बेटा। अब है कि ऊपर तरफ होगी नीचे तरफ, ये देखना है कि ऊपर तरफ लाइंस होंगी कि नीचे तरफ, ये बस सोचना है बेटा। तो ध्यान से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ फ्लो करती है बेटा, हाई पोटेंशियल टू लोअर, तो हाई पोटेंशियल किधर है, नीचे, लो किधर है, ऊपर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये रही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे को वही रिलेशन अप्लाई करते हैं बेटा, पोटेंशियल का डिफरेंस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। तो चलो इस पॉइंट, इस वाले पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप लगा सकते हो बेटा, इस वाले पॉइंट और इसके बीच में लगाते हैं, चलो यहाँ से यहाँ जाते हैं, चलो लगाते हैं, तो क्या रिलेशन है याद है सबको, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। बताओ इनिशियली कहाँ है, इनिशियली इस पॉइंट पे, तो बात करें इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 30 माइनस वी फाइनली, फाइनली कहाँ पहुँचा, यहाँ इस पॉइंट का, इस सरफेस का पोटेंशियल कितना है बेटा 20 बराबर, सोचो ई का डायरेक्शन किधर तरफ, इधर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या इधर ही है बेटा, तो ई और आर के बीच का एंगल क्या है 0, तो क्या बोलोगे ई का मैग्नीट्यूड, आर कितना है बेटा, कितना डिस्प्लेस कर 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में रखोगे बेटा 10 × 10⁻², इनटू इनके बीच का एंगल कितना है बेटा ई और आर के बीच, क्या 0 है कि नहीं बेटा, तो ध्यान से बताओ यहाँ पे क्या ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सोचो कितना है ये 10⁻²⁻ आया कि नहीं, तो बताओ यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आएगी बेटा 100 वोल्ट पर मीटर बोलो चाहे न्यूटन पर कूलम, दोनों यूनिट थे बेटा, क्लियर। तो ये आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया 100 न्यूटन पर कूलम, किधर की तरफ बेटा, ऊपर तरफ। तो सोचो अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे बेटा, अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा 100 J कैप, याद है ऊपर तरफ यूनिट मीटर क्या आता है जे कैप, तो ये रहा वेक्टर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी बेटा 100 J कैप न्यूटन पर कूलम, किधर तरफ बेटा, ऊपर की तरफ, यहाँ तक सही है बेटा, ठीक। तो ये रहा इसका क्वेश्चन, ठीक है, तो आराम से नोट कर लीजिए इसको बेटा, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए आगे, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब मान लो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है बेटा, ऐसे, क्लियर, इधर भी है मान लो, ठीक है, ये अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है।
और ये आपको कितना है बेटा, ये 10 सेंटी, ये आपको ऐसे समझो, मैं बोल दूँ टर्म, तो ये समझो ऐसे आपको ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 है, ये 30 है, और ये माइनस, ये तो ओरिजिन ही है बेटा, ये -10 है, इसको मिटा दूँ, मैं कह दूँ सब सेंटीमीटर में, सब एक्स यहाँ पे किस में ले रहे बेटा, जाना ये डिस्टेंस हमेशा किस में ले रहे हैं, इधर सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है, एकदम ऐसा है बेटा। अब सबका पोटेंशियल बता दे रहा हूँ, इसका पोटेंशियल क्या है बेटा, इसका है -20, इसका 0 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, इसका 40 वोल्ट है और इसका 60 वोल्ट है। तो हर, तो ये क्या है बेटा, ये हमारी इक्विपोटेंस सरफेस है, हर दो सरफेस के आपको बीच की दूरी, अब देखो यहाँ पे सीधे इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया बेटा, ये वाली स्लैंट के आधार पर डिस्टेंस, और आपसे बताया कि ये जो एंगल है वो कितना है बेटा, ये एंगल आपका बेटा है 30 डिग्री, कितना है बेटा 30 डिग्री है, क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, ये सब तो बताओ, सब पैरेलल है तो ये भी 30, सब 30 होगा बेटा, एंगल सब एंगल क्या होंगे बेटा 30 डिग्री, क्योंकि सब क्या है बेटा पैरेलल ही है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में यहाँ भी क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्या बताना है बेटा, तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आराम से पहले क्वेश्चन नोट करिए बेटा, सोलो आराम से क्वेश्चन नोट करिए, तो सॉल्व करिए बेटा, क्वेश्चन आराम से नोट कर लिए, फिर उसके बाद स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करिए बेटा, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एस सी वर्मा में भी मिलेगा बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन सेम एस सी वर्मा में भी है, ठीक है, तो आप उसको भी ट्राई कर लेना इसके बाद, ठीक। तो आते हैं इसके सोल्यूशंस पे बेटा, किस पे आते हैं बेटा सोल्यूशंस पे, तो अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो वही सिंपल सी बात, हम जानते हैं यहाँ पे बताओ इक्विपोटेंस सरफेस कैसी है बेटा, याद है प्लेनर इक्विपोटेंस सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा कॉन्स्टेंट, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या परपेंडिकुलर होंगी हमेशा इक्विपोटेंस सरफेस के, तो ध्यान से बताओ तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी होंगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ध्यान रखना हमेशा परपेंडिकुलर होंगी ना इक्विपोटेंस सरफेस के, क्या होंगी बेटा परपेंडिकुलर होंगी। अब ध्यान से बताओ ये तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सोचो अब सोचो इस पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में वही लगा देते हैं बेटा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, वही पोटेंशियल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे बेटा वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, सोचो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 20 माइनस, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 0 बराबर ई का मैग्नीट्यूड, यही तो निकालना है आर, आर के साथ कितना लिखोगे बेटा, सोचो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ जा रहे तो यही डिस्क्रिप्शन हो रहा है बेटा, अब ये कैसे निकालोगे, सोचो ये 10 है कि नहीं बेटा, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो बताओ ये 10 है तो ये कितना आएगा 10 sin 30, 10 sin 30 और 10 sin 30 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, कितनी होगी बेटा 5, तो ये आएगा 10 sin 30, इसकी वैल्यू क्या होगी 5, आराम से देख लो बेटा, इसको मैं अलग समझा दूँ आपको, सोचो ये ऐसे ही ना बेटा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, तो यही तो है ना बेटा, ये 10 है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 30 है तो ये कितना होगा बेटा, ये आएगा 10 sin 30, याद है साइन थीटा लोगे ना, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दिख रहा है 10, तो ये कितना आएगा 10 sin 30 और sin 30 होता है 1/2, तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं बेटा, तो कितना आएगा ये 5, तो आपका ये देखो यहाँ पे सोचो ये डिस्प्लेसमेंट जो आया कितना हुआ 5 सेंटीमीटर आया, कितना है बेटा ये 5 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे रखते हैं बेटा, तो ई डॉट आर की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × सेंटीमीटर मतलब याद है 10^-2 मीटर में करोगे बेटा, इंटू बताओ ई किधर है बेटा, ई भी ई आपका इधर ही है और आर भी इधर ही है कि नहीं बेटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 है बेटा, क्या है 0 है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, तो बताओ यहाँ से ई का मान निकालते हैं बेटा, तो 20 बराबर आएगा 5 × 10^-2 ई, तो ई आपकी वैल्यू आएगी देखो 5 से इसको काटोगे तो 4 आएगा बेटा, तो आपका आएगा बेटा 400 N/C, तो E की वैल्यू आएगी बेटा 400 N/C, कितना आएगा बेटा 400 N/C, ये तो E का मैग्नीट्यूड है बेटा, क्या है बेटा मैग्नीट्यूड पूछे तो आपसे हो गया, हमने आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्या पूछा गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो सोचो ध्यान से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, सोचो सोचो ये वेक्टर ऐसा है अपना, ये है ना, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 400 है ना, बताओ ध्यान से एंगल की अगर हम बात करें, सोचो ये एंगल कितना बनेगा, सोचो ये 30 है, ये 90 है कि नहीं बेटा, तो ये वाला 60 होगा कि नहीं बेटा, तो ध्यान से बताओ ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये 60 बना रहा है, तो चलो कंपोनेंट तोड़ते हैं बेटा, सोचो इस ई का इधर कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस 60, तो कॉस 60 क्या होगा बेटा ई कॉस 60, और कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 क्या होता है बेटा 1/2, तो ई 2 आएगा और ई की वैल्यू है 400, तो ये 200 आएगा कि नहीं बेटा, कितना आएगा इधर 200 आएगा इसका कंपोनेंट, ऐसे इधर वाला क्या होगा कंपोनेंट इसका ई साइन 60, तो ई साइन 60 कितना होगा बेटा, देखो ई साइन 60 और साइन 60 क्या होता है √3/2, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे आएगा 200 √3, आराम से मल्टीप्लाई कर लो बेटा,
ई की वैल्यू है चार, ई की वैल्यू 400 है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई टू, तो कितना आएगा बेटा 200√3, कितना आएगा 200√3। तो ध्यान से बताओ अब ई रहा कि नहीं बेटा, नहीं, अब इसके कंपोनेंट आ गया बेटा। तो एक कंपोनेंट इधर तरफ है 200, इधर तरफ है 200√3। तो ई को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो याद करो मैं कैसे बताया था आपको, सोचो क्या लिखोगे बेटा बताओ। ये आगे तरफ याद है यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, तो ये किधर तरफ है, पीछे तरफ, तो कितना होगा बेटा माइनस आई कैप। तो क्या होगा बेटा माइनस 200 × आई कैप, और वाई डायरेक्शन में क्या होता है यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, तो वाई डायरेक्शन में कितना है बेटा 200√3 प्लस 200√3 जे कैप। क्या ये इलेक्ट्रिक फील आया, तो साफ साफ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बेटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील आया बेटा वो कितना है बेटा आपका माइनस 200 आई कैप, माइनस 200 आई कैप प्लस 200√3 जे कैप इतना न्यूटन पर कूलम। तो ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्लियर है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा, ई बराबर है माइनस 200 आई कैप प्लस 200√3 जे कैप इतना न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को ट्राई करना है। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एक एसी वर्मा में है बेटा, एसी वर्मा में, उसको भी आप ट्राई कर लेंगे बेटा। तो अगर बोले तो आज की ये क्लास ओवर होती है बेटा इक्विवेलेंस सरफेस के। तो अगली क्लास में हम क्या मिलेंगे बेटा, तो अगर बेसिक बेसिक बोले तो पार्ट वन लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक वन लगभग कंप्लीट होता है, बस एक टॉपिक रह गया क्या बेटा, अब रह गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगले लेक्चर पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बेटा। तो यहीं पर हमारी क्लास आज की ओवर होती है बेटा।